बातें यूपी की पर चल रही आजादी स्पेशल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे एपिसोड की शख्सियत हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश का जन्म फतेहपुर जिले के हथगांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता जय नारायण एक मिडिल स्कूल में अध्यापक थे। गणेश ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के संरक्षण में ही पूरी की। पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने एक क्लर्क की नौकरी एक सरकारी ऑफिस में ज्वाइन कर ली, लेकिन उनका वास्तविक मन तो पत्रकारिता में ही लगता था और उन्होंने अपनी पत्रकारिता के करियर की शुरुआत एक एजेंट बनकर की, जो हिंदी और उर्दू की उस समय के प्रसिद्ध मैगजीन कर्मयोगी और स्वराज्य थी। 1911 में वे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से मिले और उनके साथ सरस्वती पत्रिका के संपादन में हाथ बटाने लगे। इसके बाद 1913 में वो कानपुर आ गए और पत्रकारिता को मूल रूप से अपना लिया। उन्होंने यहीं पर प्रताप नामक साप्ताहिक अखबार निकाला, जो धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो गया। प्रताप के माध्यम से उन्होंने देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाया। उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए 1917 के पहले सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह को विधिवत कवर किया। उन्होंने अपने अखबार में किसानों के मुद्दे जैसे नील की खेती का मुद्दा, रायबरेली में किसानों का आंदोलन, बिजौलिया के किसानों का आंदोलन, कानपुर में हुई मिल स्ट्राइक आदि का कवरेज करके उन्हें सनसनीखेज खबर बना दी। इसके बाद उन्होंने एक किसान आंदोलन को भी गहराई से समझकर किसानों के हक की बात को उठाया। विद्यार्थी किसानों के मुद्दों के साथ हमेशा खड़े रहते थे, इसीलिए वह कानपुर में किसान सभा के सदस्य भी बन गए और कानपुर मजदूर संघ नामक एक संगठन भी बनाया। हालांकि विद्यार्थी गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, पर उन्होंने क्रांतिकारियों का भी खूब साथ दिया और उनकी क्रांति का समर्थन भी किया। जैसे वो प्रताप में क्रांतिकारियों द्वारा लिखे गए लेख को प्रकाशित करते थे, पर उनके नाम बदलकर। भगत सिंह भी प्रताप में अपना नाम बदलकर बलवंत सिंह के नाम से लेख लिखा करते थे। यही नहीं, विद्यार्थी क्रांतिकारियों को फंडिंग भी किया करते थे। जैसे उन्होंने काकोरी कांड के बाद रामप्रसाद बिस्मिल को भागने के लिए पैसे दिए थे और उनकी जीवनी अपने अखबार प्रताप में छापी थी। वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से मिलने जेल भी गए थे जब उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था। गांधीवादी होते हुए भी गांधी जी की तरह उन्होंने क्रांतिकारियों के प्रयासों को सिरे से नहीं नकारा, बल्कि वे इसे जरूरी मानते थे और इसे शोषण के बाद का प्रतिशोध कहते थे। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों की सांप्रदायिकता का खुलकर विरोध करते थे, फिर चाहे वो हिंदू महासभा हो या मुस्लिम लीग। अपनी पत्रकारिता के 20 साल के कैरियर में वो 5 बार जेल भी गए। 23 मार्च 1931 को जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, उसके 2 दिन बाद कानपुर में दंगे हो गए। दंगे धीरे धीरे सांप्रदायिक रुख लेने लगे, तब विद्यार्थी खुद उन्हें शांत करने पहुंचे और अंधी भीड़ का शिकार हो गए, जिसने उन्हें पीट पीट कर मार डाला। और कुछ इस प्रकार विद्यार्थी देश को पत्रकारिता, क्रांति और देशभक्ति के नए आयाम देकर चले गए। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।